हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ वॉलेट पर। आज हम अपने YouTube चैनल लॉ वॉलेट पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एक बिल्डर या प्रमोटर अपने होम बायर के साथ कोई डिफॉल्ट करता है, कोई ब्रीच ऑफ प्रॉमिस करता है, ऐसा कोई प्रॉमिस करता है जो कि वो फुलफिल नहीं करेगा या नहीं करता है, तो ऐसे केस में होम बायर बिल्डर के अगेंस्ट क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन, लीगल रेमेडीज उनके पास अवेलेबल है या क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस कर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ वॉलेट पर। हम अपने इस YouTube चैनल में आपको लीगल इंफॉर्मेशन, लॉ से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो आपके लिए यूजफुल है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस सीरीज में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर एक बिल्डर या प्रमोटर डिफॉल्ट करता है अपने प्रोमिसेस में, अब वो अपने होम बायर के साथ कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है, तो होम बायर के पास क्या लीगल रेमेडीज हैं, अवेलेबल हैं, जिस लीगल रेमेडीज में क्या। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ वॉलेट पर। हम अपने इस YouTube चैनल में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं लॉ से रिलेटेड ऐसे मुद्दों की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो अपनी इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक बिल्डर या प्रमोटर डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट मीन सपोज एक होम बायर है, होम बायर बिल्डर के पास जाता है कि भाई साहब मैं आपका एक फ्लैट लेना चाहता हूं, आप इस फ्लैट को मुझे कितने टाइम में डिलीवर करके देंगे और क्या क्या फ्लैट में बना के देंगे। सपोज बिल्डर कहता है कि मैं आपको 3 साल के अंदर ये फ्लैट बना के दूंगा, ये 3 BHK फ्लैट होगा, इसमें 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग होगी, ऐसे 5 टावर होंगे और इस 3 BHK फ्लैट के साथ मैं आपको एक सर्वेंट रूम भी दूंगा। अब जब फ्लैट डिलीवर करने की बारी आती है तो हो सकता है कि बिल्डर डिफॉल्ट कर जाए, मींस बिल्डिंग में 20 से ज्यादा फ्लोर से 25 फ्लोर बना दे, या वो सर्वेंट रूम आपको नहीं दे, 3 BHK फ्लैट तो दे रहा है लेकिन सर्वेंट रूम नहीं दे रहा है। या एक और केस हो सकता है जो कि बहुत कॉमन है कि बिल्डर आपको फ्लैट बना के ही नहीं देता है, वो कहता है कि मैं आपको 3 साल का प्रॉमिस किया था, अभी मुझे 2 साल और लगेंगे, या वो कह सकता है कि मेरे पास मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको अभी फ्लैट बना के नहीं दे सकता हूं। तो ऐसे सारे सर्कमस्टांसिस में होम बायर डिलेमा में रहता है, क्या डिलेमा में रहता है कि वो बिल्डर के अगेंस्ट कैसे एक्शन ले, क्या क्या एक्शन वो ले सकता है, क्या लीगल रेमेडीज उसके पास अवेलेबल है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज हम पहली रेमेडी डिस्कस करते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉरम, मींस जिसे हम कंज्यूमर फॉरम भी कहते हैं, कि अगर एक बिल्डर या प्रमोटर फॉल्स प्रॉमिसेस करता है या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होता है, तो ऐसे केस में होम बायर के पास ऑप्शन है, वो कंज्यूमर फॉरम पे अप्रोच कर सकता है, वहां पे अपना केस फाइल कर सकता है। अब कंज्यूमर फॉरम में अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कंज्यूमर फॉरम में जाएंगे। कंज्यूमर फॉरम बेसिकली 3 तरीके के हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेकेंड इज स्टेट कमीशन एंड थर्ड इज नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सिर्फ वही केसेस जा सकते हैं जहां पर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 20 लाख से कम का है, लेकिन अगर ये डिफॉल्ट अमाउंट 20 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो होम बायर को स्टेट कमीशन को अप्रोच करना होगा, लेकिन अगर डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है तो नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा, अपनी पिटीशन फाइल करनी होगी। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में आपको एडवोकेट्स या आपके लीगल एडवाइजर आपको कंज्यूमर फोरम में जाने की एडवाइस नहीं देते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि कंज्यूमर फोरम में आपको कभी कभी ज्यादा लंबी डेट्स भी मिल जाती हैं। उस लंबी डेट्स का मतलब कि आपका जस्टिस जो मिलना है वो आपको देर से मिलेगा। अब क्योंकि हमारे लॉ में हमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आगे जिन्हें कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो हम उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि और क्या लीगल रेमेडी इसके अलावा हम ले सकते हैं जिससे कि जस्टिस हमें थोड़ा जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि होम बायर सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, वहां पे अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है, अपना केस फाइल कर सकता है। इन केस को फाइल करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अगर बिल्डर ने या प्रमोटर ने कोई ऐसा प्रॉमिस किया है कि जो वो ब्रीच करता है, जिसको वो फुलफिल नहीं करता है,
तो ऐसे केसेस में सिविल कोर्ट्स को भी अप्रोच किया जा सकता है, यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट्स में अप्रोच किया जा सकता है रिकवरी ऑफ मनी के लिए। लाइक बिल्डर को जितना पैसा दिया गया है, कंज्यूमर कह सकता है कि वो सारा पैसा मुझे विद इंटरेस्ट वापस लौटाया जाए, क्योंकि बिल्डर अपने प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो सिविल कोर्ट्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे केसेस के टाइप हैं जो हम इन कोर्ट्स में फाइल कर सकते हैं और लीगल रेमेडी ले सकते हैं। इसी सीरीज में हम आगे बात करेंगे कंपटीशन कमीशन की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही अच्छा लॉ है, बहुत ही अच्छा कमीशन है, जहां पर होम बायर को बहुत अच्छे लीगल रेमेडीज मिलते हैं और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो बिल्डर्स और प्रोमोटर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, स्ट्रिंजेंट एक्शन ले और हैवी पेनल्टी इम्पोज करे। अभी पीछे कुछ टाइम पहले ही इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़े बिल्डर, मैं नाम नहीं लूंगा उस बिल्डर का, बहुत बड़े नामी गिरामी बिल्डर के अगेंस्ट 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई और 2 करोड़ के साथ साथ उसे इंस्ट्रक्शन दी कि अगर आप 1 साल में ये फ्लैट नहीं बना के देंगे और जो एक्स्ट्रा फ्लोर्स आपने बनाए हैं इसको आप इरेज नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाएंगे, हो सकता है कि हम आपको जेल के अंदर भी भेजने की प्रोसीडिंग स्टार्ट करा दें। तो ऐसे केसेस में जहां पे बिल्डर डिफॉल्ट करता है या कोई होम अपने होम बायर के साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच करना भी एक एडवाइजेबल डिसीजन होता है। अब नेक्स्ट रेमेडी हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल कंप्लेंट्स की। अगर एक बिल्डर ने, सपोज बिल्डर ने होम बायर का अमाउंट एडवांस मनी फॉरफिट कर दिया या वो कहता है कि भाई मैं आपको 3 साल के अंदर 3 BHK और के साथ साथ एक स्टडी रूम और एक सर्वेंट रूम दूंगा, या वो बिल्डर जो है आपके साथ आपसे बुकिंग अमाउंट तो ले लेता है लेकिन बुकिंग अमाउंट के साथ वो क्या करता है कि आपको आपका फ्लैट जो आपके नाम पर बुक किया है वो किसी और को सेल कर देता है, मींस 2 सेलर्स को सेल कर दिया सेम फ्लैट। तो ऐसे केस में इन बिल्डर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट भी की जा सकती है। ये बहुत ही इफेक्टिव मैनर होता है, लीगल रेमेडी होती है बिल्डर्स के अगेंस्ट, जिसमें फ्लैट बायर को, होम बायर को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्डर और प्रमोटर के अरेस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए बिल्डर और प्रमोटर बहुत जल्दी सेटलमेंट के लिए होम बायर के पास आ जाते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही अच्छी एक नया लॉ आया था, इस लॉ को हम बोलते हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा। रेरा में इस एक्ट में अथॉरिटी दी गई है, एक प्रोविजन दिया गया है कि डिफरेंट स्टेट्स अपनी अथॉरिटीज बना सकते हैं जिसमें केसेस का डिस्पोजल बहुत जल्दी होता है। इन अथॉरिटीज को बहुत सारी पावर्स दी गई है, हालांकि कुछ स्टेट्स ने इन अथॉरिटीज अपने लॉ को इंप्लीमेंट करने में, रेरा को इंप्लीमेंट करने में कुछ प्रोविजन के जरिए इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा एक एक्ट है जहां पर होम बायर को बहुत अच्छे लीगल रेमेडीज मिल जाती हैं। तो एग्रीड बायर जो है, फ्लैट बायर, जैसे उसका डिले होता है पोजीशन में या बिल्डर कोई ब्रीच करता है अपने प्रॉमिसेस को, लाइक उसने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बनाया है और उस एग्रीमेंट में जो कंडीशन या जो उसने प्रॉमिसेस किए हैं वो फुलफिल नहीं करता है या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है, तो ऐसे केसेस में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को भी अप्रोच किया जा सकता है। इसके बाद हम बहुत ही अच्छी लीगल रेमेडी की बात करें, एनसीएलटी। एनसीएलटी में अभी रिसेंटली एक लास्ट ईयर ही एक अमेंडमेंट की गई जिसमें होम बायर को फाइनेंशियल क्रेडिटर डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बिल्डर होम बायर के अगेंस्ट कोई डिफॉल्ट करता है तो ऐसे केस में फ्लैट बायर के पास, होम बायर के पास ऑप्शन है वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट में एनसीएलटी को अप्रोच करे और एनसीएलटी के पास पावर है कि जो बिल्डर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको डिसॉल्व करके अपने ऑफिशियल्स वहां पर बैठाए और उसकी वर्किंग को, उसके सारे मैटर्स को टेक ओवर कर ले। तो एनसीएलटी में जाते ही बिल्डर बहुत डर जाते हैं, जनरली अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया है
तो बिल्डर जो है जल्दी से सेटलमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट की गई। इस अमेंडमेंट से फ्लैट बायर्स को, होम बायर्स को बहुत अच्छा रिलीफ मिला। तो लेकिन अब इन सारी लीगल रेमेडीज में सबसे ज्यादा जरूरी है इनका इवैल्यूएशन। हमें अपने केसेस, अपने केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली ये देखना होगा कि हमारा जो केस है, हमारे जो फैक्ट्स है, उसके लिए हम कौन कौन सी लीगल रेमेडी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक लीगल रेमेडी ले ली तो आप दूसरी लीगल रेमेडी नहीं ले सकते हैं। आप एक से ज्यादा लीगल रेमेडीज के लिए भी वो डिफरेंट कोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरी सबसे पहला स्टेप है लीगल नोटिस का, कि आपने अपने केस को इवेल्युएट करना है, लीगल एडवाइस देनी है और अपने एडवोकेट के थ्रू बिल्डर को एक लीगल नोटिस देना है। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लीगल नोटिस इज द बैकबोन ऑफ योर केस। लीगल नोटिस से ही आपका केस आगे बढ़ता है, तो लीगल नोटिस बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करके बिल्डर के अगेंस्ट जाना चाहिए। अब लीगल नोटिस का अगर बिल्डर रिप्लाई कर देता है, लाइक ज्यादा चांसेस होते हैं कि बिल्डर आपके साथ टेबल पर बैठ जाए और आपके आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने का कोशिश करे। अगर वो रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है या रिजॉल्व नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में लीगल नोटिस के बाद आप इमिडिएटली केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने के बाद आपको लीगल रेमेडीज मिल जाती है। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको किसी एज ए लीगल एडवाइस नहीं दी है। हम आपको लीगल एडवाइस दे सकते हैं कि अगर आप अपने केस के फैक्ट समय दें, तो जब भी आप एडवोकेट के पास जाते हैं तो आप इन सब चीजों को, सारे रेमेडीज को ध्यान में रखकर उनसे डिस्कस करिए, और इसके बेसिस पे कोई भी एक्शन लेते हैं, हमारे वीडियो के बेसिस पे कोई भी एक्शन लिया जाता है, तो सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके ही उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारी लीगल एडवाइस चाहिए होती है, लेकिन हम जनरली डरते हैं यार, लीगल अगर एडवाइस देने अगर हम एडवोकेट के पास गए तो एडवोकेट हमसे फीस लेगा या ज्यादा फीस ले लेगा, या पता नहीं हम किस एडवोकेट के पास जाएं। तो ऐसे केसेस के लिए हमने एक मेंबरशिप स्टार्ट की है। इन मेंबरशिप के थ्रू आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, मेंबरशिप हमारी जो है ले सकते हैं, और इसमें एक नॉमिनल अमाउंट के बाद हम आपको लीगल एडवाइस देना स्टार्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप एंड ईमेल और ओवर फोन, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे सपोज आपका कोई चेक डिसऑनर का केस है कि आप कब चेक डिसऑनर का केस ले सकते हैं, या आपने किसी को कोई पेमेंट किया है या कोई सामान सप्लाई किया है और आप उससे एक चेक ले लेते हैं इन एडवांस, तो ऐसे केसेस में आपको जो चेक लेना है कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साइन कराना है और किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है, तो ये सारी लीगल एडवाइस हम आपको देते हैं अंडर आवर मेंबरशिप प्रोग्राम। तो इन मेंबरशिप प्रोग्राम या कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माइसेल्फ इज एडवोकेट प्रवीण सिंगल, मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, और कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करिए। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आने वाले टाइम में भी बहुत रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। थैंक यू।